हेलो गाइज, मैं हूं दिनेश। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विंग चेक वाल यानी कि एनआरवी के बारे में कि कैसे ये वर्क करती है और एनआरवी किस टाइप की आती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे पास है साइको ब्रांड की एनआरवी, जिसको स्विंग चेक वाल भी बोला जाता है। हाफ इंच का एनआरवी हमारे पास, जिसकी अगर एमआरपी की बात करें तो एमआरपी आपको 500-550 रुपये की आप एमआरपी देखने को मिल जाएगी। इसमें दोस्तों बहुत सारी क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हैवी क्वालिटी की लेना चाहे तो हैवी भी मिलती है, और सस्ती क्वालिटी की लेना चाहे तो 150-200 रुपये के आसपास भी मिलती है। इसकी 515 रुपये एमआरपी है दोस्तों। हाफ इंच की एनआरवी है, साइको ब्रांड की एनआरवी है। खोलकर देखते हैं किस प्रकार की एनआरवी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, जैसे बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक की थैली के अंदर आपको ये जो मिलती है एनआरवी। और एनआरवी की क्वालिटी अगर बात करें तो दोस्तों, वजन में हेवी क्वालिटी है, तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या जो मेटल है वो यूज़ किया हुआ है। साइको ब्रांडिंग है दोस्तों, और साइड में एक नट दिया हुआ है। ये नट आप देख सकते हैं, इस नट की वजह से जो दोस्तों एयर है वो आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, हेवी क्वालिटी की एनआरवी है, ऊपर हाफ जो है नट दिया हुआ है, जिसको खोल कर आप अगर एनआरवी कुछ ख़राब है तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में इनलेट और आउटलेट दिए हुए हैं। कैप की मदद से इसको दोस्तों बंद किया हुआ है कि कचरा ना जाए। आप खोल कर इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है जिसकी वजह से ये काम करता है। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर एक अंदर पर्दा जैसा आपको दिख रहा है। यही पर्दे का मेन काम होता है दोस्तों, पानी को रोकना। एनआरवी कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों? अगर कि आपके टंकी है और टंकी भर गया है, पानी रिवर्स ना आए, या कोई भी लिक्विड है इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई भी जो तरल पदार्थ है रिवर्स वापस पाइपलाइन में ना जाए, इसके लिए एनआरवी लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें इनलेट आउटलेट का एरो दिया हुआ है। इस साइड से जो है पानी घुसेगा और इस साइड से पानी निकलेगा। हाफ इंच की एनआरवी है, इसमें आपको 2-3 इंच तक भी आपको जो है साइज़ मिल जाएगा। दोस्तों, एनआरवी में मुख्य रूप से काम इस पर्दे का होता है जो अंदर मूव कर रहा है। इसी पर्दे की वजह से पानी को रोका और फ्लो किया जाता है। तो दोस्तों, आप एरो के हिसाब से अगर लगाएंगे तो पानी इस हिसाब से ये रोक देगा, जाकर वहाँ पर टच हो जाएगा तो पानी रोक देगा। ये एरो दिया हुआ है उस साइड से, और ऊपर से आप नट को खोल के इसको जो है साफ़ करना है। अगर कचरा वगैरह है तो साफ भी कर सकते हैं। इस एरो के हिसाब से आपको लगाना रहता है, और सीधा स्ट्रेट लगाना रहता है दोस्तों। अगर आप आड़ा टेढ़ा लगाएंगे तो ये एनआरवी वर्क नहीं करेगा और पानी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, तो जो आप एनआरवी लगाया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ, नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।